हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं अभी दुकान में आके बैठ चुका हूँ और अभी हम लोग इधर जाने के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने भाई के साथ जाऊँगा सोच रहा था, पर वो मना कर रहा था, भाभी मना कर रही है कि उनकी भाड़ा का प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग आने जाने का, तो उसी लिए भैया मना कर रहे थे। पर देखते हैं, इधर उधर से जुगाड़ करके जाना पड़ेगा। और दोस्तों, अभी मेरा दिन ख़राब चल रहा है, मेरा बहुत बहुत बुरा चल रहा है मेरा दिन अभी। सॉरी, मैं सब आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो पिछले हफ्ते जो कोई हम लोग का डेथ हो गया था, उनका आज 11वां दिन है, तो उसी चक्कर में हम लोग को जाना पड़ रहा है। और जाना तो जरूरी है, नहीं जाने से भी लोग बोले हैं कि हम लोग ऐसे काम में नहीं आ रहे। मन तो नहीं कर रहा मेरा जाने का, पर क्या करें। अभी देखिए, यहाँ से जाने के लिए तेल खर्चा लगेगा, तेल खर्चा वो भी हम लोग का हंसने वाली बात है, पर वो भी नहीं है मेरे पास। अभी देखिए, दुकान का पैसा जो बचा था उससे मैंने ये कुछ सामान रख लिए हैं अभी जस्ट, फिर भी उधार में रह चुका हूँ 370 रुपये, और दुकान से मैं पैसा निकाल नहीं पा रहा हूँ। देखिए, दोनों भाई जा रहे हैं, अभी वहीं पर मिलेंगे आपको। हम लोग आए हैं भेलवाड़ी में, भेलवाड़ी, हाँ भेलवाड़ी, और नवीन भाई लगे हुए हैं खाना पकाने में। हेलो दोस्तों, नवीन भाई यहाँ पे पनीर काट रहे हैं, ये पीस ज़्यादा बड़ा हो गया है शायद, इसका ज़्यादा चलेगा, बड़ा हो गया। टाइम हुआ है खाने, ये लंच का टाइम हो गया, कब बनेगा रे, भूख लग रहा है, 1:30 बज गया। नवीन भाई कितना टाइम लगेगा खाना बनने में, जब तक सीझता है तब तक। ये देखो पनीर है रे बाबा, कितना टाइम लगेगा, भूख लग रहा है। सब्जी दे दबा एटा की गुटे गुटे मोड़ देते हो डायरेक्ट। ये बर्थडे केक जैसा लग रहा है। तो इधर को है बड़े भाई साहब और मेरे जीजा जी, अरे उनके बड़े भाई साहब, मेरे जीजा जी कुछ ज़्यादा ही नशेड़ी जैसे लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, टाइम हो गया अभी 2:20 और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि खाना कब बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। अभी तक हो रहा है लेकिन कब होगा वो पता नहीं है। इधर हाथी दौड़ रहे हैं चूहे के पेट में, चूहे की जगह हाथी घुस गए पेट में। हाथी बड़ा हो गया, बड़ा होते होते कैसा चूहा, बड़ा होते होते हाथी बन गया है भाई। ऐसा लग रहा है पिकनिक आए हैं, पर ये किसी का। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग को वहाँ का काम छोड़कर थोड़ा मेरे खुद का गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ राशन कार्ड लाना है। तो वहाँ हम लोग का रौलकला में चावल मिल रहा है 3 महीने का, तो मेरे भाई का राशन कार्ड यहाँ से लाने जाना पड़ रहा है। आज नहीं लाएंगे तो फिर वहाँ उतना दूर से फीस पर रिटर्न आना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं उसका घर जाएंगे, वहाँ से ताला तोड़ कर, नया ताला खरीद कर ताला तोड़ कर उसका लाएंगे, क्योंकि चाबी भाभी ले चुकी है। तो अभी जाएंगे वहाँ ताला तोड़ेंगे, फिर राशन कार्ड कहाँ पर रखा हुआ है उसको लाएंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से खाना वाना खा के फिर घर चल जाएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों, अभी ताला तोड़ना पड़ेगा घर में जाके, इसलिए अभी देखिए ताला खरीद के ले रहे हैं, इसको अभी घर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा। तो ताला, और ये तो इसका है, चाबी लगाना पड़ेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा घर जाके। तो चल रही है, चलते हैं, अभी अपना घर गांव पहुंचने वाला है।
तो अभी अपना गांव पहुंचने वाला है, देखिए रास्ता इधर से है और ये रहा वो पहाड़ के किनारे है अपना गांव। तो अभी हम लोग को पूरा बहुत दूर घूम के जाना पड़ेगा, उसके यहाँ सीधा रास्ता नहीं है तो उधर जाना पड़ेगा हम लोग को पहाड़ के किनारे। तो हम लोग अभी इससे घूम के पूरा जाना पड़ेगा इधर से। चलिए चलते हैं। अपना गांव में भी अभी इच्छू रोड बन गया है, देखिए ये वाला नहीं था, ये बहुत ही बेकार रास्ता था, जस्ट बना हुआ अभी नया बन रहा है, नया बन चुका है। देखिए अपने गांव का सीन देख लीजिए आप लोग, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ मैं भी। ये हम लोग का गांव का सरकारी स्कूल है, देखिए बहुत ही बड़ा हो चुका है। मैं कभी गया नहीं, मेरा बड़ा भाई यहाँ पढ़ा है, मेरा मौसी लोग पढ़ा है और मेरी मौसी लोग यहाँ पढ़े हुए हैं। हमारे गांव का जो सरपंच जी हैं उनका घर अभी आने वाला है, देखिए ये रहा उनका घर, उनका नाम है बड़ा किसान, ये इनका घर है। अभी सरपंच नहीं है पर ये बहुत ही पुराने वाले थे, इनके बारे में पता नहीं है मुझे सही से क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ, गाँव में नहीं रहता। ये अपना गांव ही है, गांव का ये अलग बस्ती है, देख लीजिए। हम कौर रहा हूँ, ये देखा ये देखिए दोस्तों, गांव में पबजी चल रहा है, गांव में पबजी चल रहा है। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़्यादा समय यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि टाइम हो रहा है, शाम हो जा रहा है यहाँ पे, अभी वहाँ पे जाके वहाँ से घर जाना पड़ेगा। फिर देख लीजिए आप लोग हम लोग का गांव कैसा है। यहाँ पे देखिए अपना हनुमान मंदिर है और ये अपना गाँव कब पहुँचने वाला है, ये जंगल होके अभी जाएंगे देखिए, जंगल के बीच से जाएंगे। अभी ये पहाड़ है, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, अब बड़ा बड़ा बंदर रहते हैं। कहीं पे कहाँ बोलती है कि मेरी बड़ी दीदी जो थे उनको यहाँ पे कहीं पे दिया गया है, दफनाया गया है, मैं उनको देखा नहीं था, मैं कभी पैदा नहीं हुआ था। ये अपना गांव है, देखिए गांव का पहला घर, ये हो गया अपने गांव का पहला घर। और ये पूरा ये अपना गांव है, मेरा गांव का नाम है अबूबा, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, ये बारिश के दिन में तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बारिश और ठंडे के दिन में। तो गांव में शायद काम चल रहा है रोड का, तो मेरा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, देखिए और हम लोग का गांव का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जत्रा होता है, हम लोग का मतलब मेला लगता है, एक छोटा सा जगह पे मेला लगता है यहाँ पे। ये हम लोग का गांव का मेन मंदिर है। तो दोस्तों अपने गांव का इधर अपने घर पहुँचने वाले हैं, देखिए हम लोग का घर गांव के पूरा आखिरी में है, लास्ट में है। तो अभी घर में कोई नहीं होगा, ताला लोग होगा क्योंकि भैया गाँव से अभी हम लोग वहाँ पे हैं। तो अभी चलिए चलते हैं। ये हम लोग का गांव शायद गांव ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ डेवलप नहीं होता, देखिए यहाँ भी यहाँ से रोड ख़त्म, यहाँ से अभी रोड भी नहीं है आगे, ख़त्म है अभी, यहाँ रोड नहीं है देखिए। अभी कुछ मुछो करते जाएंगे हम लोग,
ये सब देखिए घर है यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, मैं सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको क्योंकि आज टाइम नहीं है, फिर कभी आऊँगा तो मैं पूरा सब कुछ बताऊँगा आपको ये गांव के बारे में। देखिए तो हम लोग का घर वो रहा दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग का घर यहाँ पे है और ये हम लोग का पूरा देखिए यहाँ पे हम लोग का जमीन है, यहाँ इधर है जमीन। अब हम सुने हैं कि गाँव में कहीं पोखरी भी खोद रहे हैं, तो उधर देखिए सामने है और ये अपना गांव। तो हम लोग का घर देखिए आ गया। ओए होए घुमा गई क्या? ओहो क्या फूल है, चल ला निकल निकल। ये क्या बात कर रहा है? देखिए दोस्तों अपना घर के सामने ये कैसा लग रहा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये फूल भी है अभी, ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वाह 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 वाह, ये देखिए ये मेरे गांव का घर है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ से आने के बाद। ये बहुत ही दिनों के बाद आ रहा हूँ, मैं बहुत दिन से आना चाहता था यहाँ पर आ नहीं पा रहा था। ये जितना भी देख रहे हैं ये सब हम लोग का नहीं है, हम लोग का ये यहाँ से वो पेड़ के सामने से दोस्तों, ये हम लोग का जमीन ये पेड़ के सामने से पूरा यहाँ से पूरा उधर आखिरी तक है, पूरा वो आखिर तक है, रोड तक पहुँच जाएगा आप लोग अपना गांव मतलब हम लोग का ज़मीन। तो देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये पेड़ से इधर पूरा ज़मीन हम लोग का है, यहाँ से वो पूरा जंगल दिख रहा हूँ जहाँ रास्ता था मेन रोड से उधर आए थे उतना दूर का, उतना दूर तक पूरा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ तक है पूरा, ये जो जंगल दिख रहा है यहाँ तक अपना ज़मीन है। और चलिए मैं घर दिखा देता हूँ आपको। डिंग 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 डिंग। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग का घर है जो कि मेरा गांव का, जो मेरे भाई लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए ये अपना घर है, ये हम लोग का पुराना घर है, पता नहीं कितना साल का, मैं बचपन बहुत सी छोटा था तभी यहाँ पे आया था। ये हम लोग का घर है पुराना, और ये वाला किचन है हम लोग का, और ये है हम लोग का नया घर, ये भी 4-5 साल से ज़्यादा की हो रहा बना है। और यहाँ पे हम लोग मेरे भैया भाभी रहते हैं यहाँ, देखिए देखिए तो दोस्तों ये देखिए ये हम लोग का घर है, मैं रूम दिखा देता हूँ। लाइट कहाँ है दोस्तों? लाइट भी नहीं है, मिल गया अभी, इसको पकड़ के बनाएगा तो ठीक आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे अंधेरा बहुत है, मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ, रुकिए। ये देखिए ये अपना घर है, यहाँ पे हम लोग का टीवी था, यहाँ टीवी खत्म हो चुका है यहीं पे। तो मैं पहले राशन कार्ड खोज लेता हूँ कहाँ पे है, पता नहीं, देख लेते हैं किधर है। तो ये रहा, मिल गया राशन कार्ड, तो इसको पकड़ लेते हैं, फिर ये सब बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है हम लोग गांव में भी, मेरे भाई भी हम ही, ज़्यादा ये नहीं है हम लोग का। देखिए बस अलमीरा है, अलना है, और ये बस एक खटिया पड़ा हुआ है रूम में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं, ये एक सोफ़ा पड़ा हुआ है जो कि टूटा फटा है पर बैठने के लायक है। घर में वायरिंग भी नहीं हुआ है तो ऐसे ही टांग के देखिए तार ऐसे ही लटका हुआ तार। ये है इधर भी एक किचन है, ये देखिए ये अपना गांव का किचन है मेरे भाई लोग का, एक किचन हो गया और एक रूम है जहां हम लोग धान में रखते हैं। तो यहां भी देखिए ये वाला धान हो गया हम लोग का, यहां भी बक्सर से कुछ पड़ा हुआ है सामान। और चलिए मैं अपना बाहर का नज़ारा दिखा देता हूं दोस्तों। इधर अपना कुआं है, एक कुआं है इधर, यहाँ पे ये अपना अमरूद का पेड़ देखिए बहुत ही हो, अरे है इसमें अभी तोड़ना पड़े
अमरूद का पेड़ है यहाँ, है पेड़ में लगा हुआ है फल, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, ये देखिए अपना अपना बाउंड्री तो नहीं है, बाउंड्री करने के दम भी नहीं है। तो भाई साहब हमारा देखरेख करते हैं इस गार्डन को, और यहाँ पानी डाल रहे हैं अभी, पानी अब हो गया। तो यही है दोस्तों, यहाँ से जितना आपको, यहाँ से जितना दूर आपको दिख रहा है, यहाँ ये हम ही लोग का जगह है, मतलब अपनी जमीन है, पर इधर काम कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ करते नहीं है हम लोग। आप यहाँ से देखोगे उस गांव तक, और इस गांव से लेकर उस गांव तक, ये सब हमारा जमीन है, हमारा जमीन है। यहाँ से पूरा उधर तक जमीन है अपना, और यहाँ से इधर नीचे तक जंगल तक है पूरा हमारा। और ये देखिए अपना कुआं है, कुआं बंद हो गया था बीच में, इसमें मिट्टी भर गया था, धस गया था, तो इसको दोबारा खुदवाए हैं। और देखिए यहाँ पानी कितना है, बहुत ही बड़ा कुआं है। देखिए यहाँ पे ये पानी यहाँ थोड़ा साफ दिख रहा है, पर यहाँ का पानी हम लोग यहाँ नहीं पीते हैं, भैया लोग यहाँ पर पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि बारिश का पानी हमेशा गिरता रहता है, और ये पेड़ का पत्ता यहाँ पे गिरते रहता है, तो हम लोग यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। अरे देखिए यहीं बस इतना ही है, और यहाँ पे नहाना धोना जो कुछ है सब यहीं पर है। पहले बहुत कुछ यहाँ पे लगाया जाता था खाने के लिए, खेती किया जाता था, पर अभी उतना टाइम नहीं है भाई लोग के पास, वो लोग भी नहीं करता है। तो दोस्तों मैं पहले एक अमरूद तोड़ लेता हूँ, भूख लग रहा है बहुत, कुछ खा लेते हैं। अमरूद खाने का मन कर रहा है दोस्तों, बहुत हुआ है इसमें, देखिए पर इधर बुला रहा है। रुक जाओ छोटू साहब, हो गया, चल जाओ जाओ, आ जा आ जा, उतर जाएंगे, रुक जाओ अभी, पूछ जाते हैं क्या मेरा फट रही है। ये बढ़िया बढ़िया भरती है गुट, टूटी तो बन नहीं रहा। देखिए पीछे से भी इधर जितना भी दिख रहा है आपको, सब काजू का पेड़ है दोस्तों। सॉरी आज मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, आज टाइम नहीं है उतना, और अभी हम लोग को हड़वा के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ खाना वाना खा के फिर से गांव, मतलब घर जाना है। तो आज इतने में चल जाते हैं, फिर कभी बताऊंगा आपको सही से। ठीक है, मेरा गांव है ये, और मेरे बीच में हमें सामने एक बिगड़ नहीं है, तो चलिए चलते हैं वहीं पर खाना खा कर देते हैं।